प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। आज रायबरेली पहुंची है कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा। आज रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा दिन है। आज रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र व बछरावा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंची है। इस समय मौजूद है रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में। बछरावा विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज के ब्लॉक प्रांगण में इस समय कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की जनसभा हो रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रमोद तिवारी, हार्दिक पटेल का स्वागत कर रहे हैं, लगातार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर MLC दीपक सिंह मौजूद है। लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ मौजूद है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि रायबरेली कहीं ना कहीं रायबरेली में जब कांग्रेस अच्छी सीटें जीत कर जाएगी, अच्छा प्रदर्शन करके जाएगी, तो रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, इसलिए रायबरेली अहम है। कांग्रेस अगर रायबरेली में अच्छा प्रदर्शन करती है, रायबरेली में उसको अच्छा जन समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं रायबरेली से एक मैसेज जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली का जो मैसेज होगा वो संजीवनी का काम करेगा। कैमरा पर्सन साहब के साथ इंडिया न्यूज रायबरेली। जगह जगह जिस तरीके से यात्रा का स्वागत किया गया, मैं उनका धन्यवादी हूँ। ये प्रतिज्ञा यात्रा इसमें प्रारंभ में 3-7 प्रतिज्ञाएं थी। चुनाव के बारे में किसी ने सोचा है, हमारे लड़कियों के भविष्य के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वह कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने सोचा। बात सभी करते हैं, सरकार जिनकी चल रही है बात तो वो भी करते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि हर तरफ में किस तरीके से दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उस कन्या का, उस बेटी का, उस लड़की की लाश को और उनका शव जो है उसके परिवार को नहीं दिया जाता। रात को 2 बजे मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल करके उस बच्ची के शव को जला दिया जाता है। वारे मोदी जी, वारे मोदी जी, आपकी संवेदनशीलता, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 2 दर्जन घायल हो जाते हैं। मोदी जी लखनऊ में आते हैं, इनकी संवेदनशीलता देखिए, महोत्सव में आते हैं और एक शब्द भी उन किसानों के बारे में नहीं बोलते हैं जिनकी हत्या एक इनकी पार्टी के मंत्री के पुत्र ने उसी के फादर यानी मंत्री जी के खाने पर। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा के साथ साथ प्रोग्राम है, ये झूठे वादे नहीं है कि हमको वोट दे दीजिए और विदेश से दावत हम आए और 15-15 लाख रुपया अपने आप आप सबके खाते में पहुंच गया है। राष्ट्रपति बनने के चक्कर में बहुत से लोगों ने रोक लिया, कम से कम राष्ट्रपति के थोड़ा थोड़ा राशि थोड़ा पंद्रह सौ ले भी किसी के खाते में नहीं, बल्कि नोटबंदी करनी नोटबंदी के बाद जो आपको बैठा बैठ कर रहा, आपको अपनी बेटियों की शादी करनी थी, आपको अपने दवा के लिए रोजमर्रा के लिए पैसे की जरूरत थी, वो भी आप नहीं निकाल पाए, ये 15 लाख कहां से देंगे? ये झूठे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग, भारतीय भाव की है, हम वादा ही नहीं करते आपका के बिहार। लखीमपुर की घटना के बारे में जब पता चला तो सबसे पहले हमारा नेता तीन अधिकारियों का मन लगा रात को ही निकल गई और उनको उनको सीधा होने के प्रस्ताव कर दिया गया। पीएचडी है तो अपने 3 दिन तक उनको गिरफ्तार कर दिया। चौथे दिन राहुल जी और छोटे छोटे दल के प्रधानमंत्री श्री भूपेंद्र बघेल और पंजाब मुख्यमंत्री की गति जी का जो व्यक्ति और वो
वो लखीमपुर खीर किसानों से मिल जाते हैं और वहां घोषणा करते हैं कि हम किसानों को जो जिन किसानों ने परिवार को परिवार के लोग मंत्री को अपने गाड़ी के रोड करके मारा कुछ करके मारा उन परिवारों को हम 50-50 लाख रुपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।